सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौराणिक इतिहास क्या है और तुलसी का महत्व क्या है। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, सनातन परंपरा की बात करें, तो हमने जड़ में और चेतन में, जिसमें प्राण दिखता है या जिसमें नहीं दिखता है, सब में ईश्वर की बात करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, यानी सृष्टि की हर चीज में ईश्वर है, ऐसी हम भावना करते हैं। नदियों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास हम मानते हैं। पौधों में देवी और देवताओं का वास इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी एक ऐसा पौधा है जिसको हम देवी की तरह पूजते हैं, तुलसी माँ कहते हैं। इसके अंदर औषधीय गुण के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला और तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम बने और शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के दल के नहीं हो सकती है। कि तुलसी का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। इसके नियमित सेवन करने से सर्दी, जुखाम, फ्लू जैसी छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों के इस्तेमाल से काफ़ी लाभ होता है। तुलसी के बीज फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए संतान उत्पत्ति की समस्या में कारगर होते हैं। जहां भी तुलसी लगती है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। हैं कि जो घर में तुलसी का पौधा लगाए हैं उसकी नियमित रूप से पूजा कैसे करेंगे? तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार के दिन लगा सकते हैं। हालांकि जो कार्तिक का महीना होता है, अक्टूबर नवंबर वाला, उस समय इसको लगाना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे आप किसी भी बृहस्पतिवार को लगा लीजिए। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है और तुलसी का विवाह भी होता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने बेडरूम के पास की बालकनी में रखनी चाहिए। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करें। नियमित रूप से शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि तुलसी पूजा की सावधानियां क्या हैं। देखिए, तुलसी के पत्ते जब भी तोड़ेंगे कोशिश करें कि सुबह के समय ही तोड़ा जाए, अन्य समय पर तोड़ना उचित नहीं होगा। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को, जैसे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूल कर भी भगवान गणेश को और माँ दुर्गा को तुलसी दल अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, पुराने पत्तों को भी पूजा में प्रयोग किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। हैं कि तुलसी के पौधे का, तुलसी के पत्तों का विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, हनुमान जी को मंगलवार को अगर आप तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं तो बड़ा फायदा होगा, या हनुमान जी को तुलसी के पत्ते मंगलवार को अर्पित करें तो इससे आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। भगवान कृष्ण को अगर रोज दो पत्ते तुलसी के अर्पित करें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होगी। भोजन पकाते समय, खासतौर से चावल पकाते समय, उसमें तुलसी के दो पत्ते डाल दें, इससे खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। तुलसी की माला अगर आप गले में धारण करें तो इससे बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी, भटकने की संभावना कम हो जाएगी।